हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत दिनों से मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला है अपने चैनल पे। आप हालत देख के समझ ही सकते हैं। अभी जो अभी टाइम बीता हुआ टाइम मतलब अच्छा नहीं था, बहुत अच्छा नहीं था एक्चुअली। सो यहाँ पे मैं हॉस्पिटल में आ गई हुई, रात के 2 बज रहे हैं और इमरजेंसी में आना पड़ा। तो आपको वीडियो में आके पता चलेगा, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा कि हम क्यों आए हैं, कैसे आए। मैंने बताया है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मत घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बताऊँ मैं ना। और ये सब दिखा के आपको डराना नहीं है, ये सब मैं आपके साथ में इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ में सारी चीज़ें शेयर करना। जब मैं कहीं घूमने जाती हूँ बहुत खुश होती है तब भी आपके साथ में शेयर करती हूँ, तो अब क्यों ना करूँ, है ना। हम लोग एक फैमिली ही है ना, और YouTube पे आने का मतलब है हर चीज़ें शेयर करना। सो ये भी मुझसे रिलेटेड है और मेरी चीज़ है। अगर मेरी जगह कोई और होता, भगवान ना करे ऐसा हो, तो मैं शायद ना शेयर करती उनकी मर्ज़ी के बिना। बट ठीक है, ये मेरा मतलब मैं कर सकती हूँ। सो या मैंने किया है शेयर और बस यही है। और बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है अभी तो, घर की बहुत याद आ रही है। अकेले अकेले मैं इस रूम में अकेली ही हूँ अभी, मतलब बस ऐसे कैमरा लगा के पड़ी हूँ। बिल्कुल भी मतलब क्या बताऊँ, मुझे बिल्कुल भी एनर्जी नहीं कि बोलने की अभी तो। हालांकि 15 से 20 दिन हो चुके हैं जब मैं ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, और ये देखिए बारिश हो रही है बाहर। तो अभी हो चुकी है गुड मॉर्निंग और बहुत बुरी हालत चल रही है, आधी बची है अभी। हॉस्पिटल में भले कुछ हो ना, पर आके हालत ख़राब हो जाती है उसको, टाइम का कुछ नहीं पता। और अभी मैं वॉशरूम के लिए गई थी पूरी रात से अभी, और फिर ही हटा दिया था, अब फिर से लगा दिया। अब इससे वियर्ड जगह लगा दिखाते हैं। अब ये देख, इधर लगाया ना तो इधर, और मैं आपको कहानी बताती हूँ। इधर फिर उन्होंने लगाया और ऐसे हाथ के उल्टी साइड लगाते हैं ना, तो वो वेन नहीं मिली, उन्हें पता नहीं क्या उसमें जो दर्द हुआ ना, उसमें से ब्लड आने लगा और हाथ मेरा पूरा। और अभी बहुत अच्छे से मतलब दिन निकल गया है और अभी बच रहे हैं आई थिंक 7:15 या 7:30 हो रहे होंगे। और भी मेरा शुगर का टेस्ट हुआ है और वो हीमोग्लोबिन वगैरह होता है ना उसको हुआ है। तो शुगर का टेस्ट मैंने फर्स्ट टाइम कराया, उन्होंने ऐसे प्रिक किया ये सब कुछ तो था उनके पास, और फिंगर से ब्लड निकाला। माय गॉड, इट्स वेरी गुड फूड। एंड फिर से उन्होंने सलाइन दिए है, इसमें इंजेक्शन लगाया है, और ये बहुत पेन है, मेरे से तो सहन नहीं हो रहा, और बस मुझे जाने का मन कर रहा है घर पर। और कायना सो रही है क्योंकि रात को जब हम आए थे ना 1 बजे तो उठ गई थी, बहुत पेन लग रहा है हाथ में। आप देख ही सकते हैं कितनी वीकनेस फील हो रही है, आवाज़ बिल्कुल भी नहीं निकल रही है मुंह से। तो यही था, एनर्जी नहीं होती तो ऐसे ही होता है, हम कुछ भी बोलते रहते हैं बट सामने वाले को नहीं कन्वे होता है। 10 मिनट हो गए और मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही और हाथ में बहुत पेन कर रहा है। और मुझे ना हॉस्पिटल्स वगैरह में इतनी नींद नहीं आती है जब तक कि मैं बिल्कुल बेहोश ना हो जाऊँ, मतलब तो पूरी रात मैं सो नहीं पाई, वो तो हाथ की वजह से आप समझ ही सकते हैं। तो अभी थोड़ी देर के लिए मैं लेटी हुई थी, बैठी हूँ, पर मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है। मामा हाथ दिखा दो। ऐसे एक तो ये गलत जगह लगा है, पता नहीं फर्स्ट टाइम ऐसे, और क्योंकि कायना भी जब हुई थी तब भी मेरे को इधर लगा था उल्टी साइड में, और ये आप देख सकते हैं इन्होंने तो ट्राई किया था, ये आपको दिख रहा होगा ना, बट ये सूज गया था एकदम से और ब्लड आ गया था इसमें से। तो और मम्मी मुझे बोल रही थी, अभी अभी मैंने भी लगा था और मुझे भी दर्द हुआ था, वो थोड़ा सा दर्द हुआ, दादा को भी लगा था, दादा को तो भूख ही दर्द हुआ था, मम्मा को लगा था, इतना सारा दर्द हो रहा है ना मम्मा। और कहीं ना को, और यहाँ पे कोई नहीं है, मुझे घर वालों की बहुत याद आ रही है। और मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ, इसी हॉस्पिटल में कायना हुई थी, मेरी डिलीवरी हुई थी इधर ही, और ये 2nd फ्लोर है और हम थर्ड फ्लोर पे थे हमारा रूम, और ऑपरेशन थिएटर ओटी इसमें ऑपरेशन होता है, सी सेक्शन होता है, वो हर एक फ्लोर पे है। तो अभी हम ओटी के साइड बिल्कुल बगल वाला रूम है हमारा, उसको देख के मेरे को चक्कर आ गए थे। मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, वर्स था एकदम। डिलीवरी के टाइम लोग खुश होते हैं, मैं भी खुश थी उससे पहले, पर
वो बहुत इट वाज बैड एक्सपीरियंस। एंड कल मैंने जब देखा ओटी रूम तो मेरे को चक्कर आने लगे थे। जैसे कल हम रात को 1 बजे आए थे चित्रेश में और कायना, मैं मना कर रही थी कि मेरी वजह से कायना परेशान हो क्योंकि सो रही थी, 1 बजे गया था और मैं भी सोने ही वाली थी। जस्ट मुझे ऐसा लगा कि मैं ऐसे हो रही तो ऐसे हो गया मेरे को, मतलब मेरे से पूरी बॉडी मेरी हल्की हो गई है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा एकदम। मतलब मैं उठी और मेरे पेट में सबसे पहले बहुत एक दर्द हुआ, बहुत तेज़ दर्द हुआ, तो मैं चिल्लाई तो कायना को, मैंने बोला डैडा को बुलाओ, डैडा उसके बाहर थे रूम से बाहर, तो मैंने अपने डैडा को बुलाया और फिर वो पेन ठीक हो गया। और फिर इसने बुलाया तो मेरे को चक्कर आने लगे, फिर जब मैंने कहा मैं पानी पीना है, तो जैसे मैं उठी हूँ, हम ऐसे उठते तो एकदम बॉडी बहुत लाइट वेट हो गई थी, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। फिर मामा मुझे लाइट बंद करिए तो बोल। चित्रेश ने मुझे कॉफ़ी बना के दी। मैंने बोला कॉफ़ी, मतलब फिर लो बीपी चेक किया, बीपी की मशीन लेके आ रखे हम लोग, तो उसमें हमारा मेरा था मतलब कम था, 90-60 कुछ था। उसके बाद मैंने कहा कॉफ़ी पी लेती, कॉफ़ी पिया, पानी पिया मैंने, फिर दोबारा से मैंने देखा एक बार मेरे को बॉडी ठंडी हो गई एकदम मेरी बॉडी, और अभी तो कॉफ़ी पी के मुझे गर्मी लग रही थी, कॉफ़ी पी के गर्मी लग रही थी, और उसके आई थिंक 3 से 4 मिनट बाद मुझे एकदम ठंड महसूस हुई और मेरी बॉडी एकदम ठंडी। चित्रेश ने टच करके देखा हाथ, और फिर बीपी मैंने दोबारा चेक किया तो कितना था, मतलब 40-50 के बीच में था, 45 था शायद, एकदम से इतना तेज़ तेज़ नीचे हो रहा है। तो फिर हमने सोचा कभी रात को कुछ परेशानी हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, मैं तो मना ही कर रही थी, पर चित्रेश ने बोला नहीं चलते हैं, तो इस और यहाँ पे कायना मस्ती कर रही है, बोल रहे कब घर जाएंगे कब घर जाएंगे। क्या कर रहे हैं, जोड़ो कराटे। नाश्ता कर लिया आपने? छोटे से खाया है मैंने। तो मम्मा के हाथ का मिस नहीं कर रहे हो खाना? और पता आपको मुझे तो जुकाम हो गया, और जब इसे हम खोलेंगे तो फिर तो पूरा फिर वाइट वाइट दिखेगा, वाइट। जब मैं क्या कह रही हूँ, मम्मा के हाथ का खाना मिस नहीं कर रहे हो नाश्ता? नहीं कर रहे हो ना? तो अभी हमने नाश्ता कर लिया है, बड़ा सांभर, यहाँ हॉस्पिटल के पास कुछ भी नहीं मिल रहा है। खैर में हॉस्पिटल के पास कितनी चाय की शॉप्स होते, कुछ खाने पीने का होता है, क्योंकि पेशेंट्स के साथ में बहुत सारे लोग भी आते हैं फैमिली मेम्बर, तो फिर बहुत दूर से जाके कहीं से ऐसे कुछ मिला खाने। और ये थर्ड बॉटल है, मतलब तीसरी बॉटल है, हमने मना किया था बट वो नहीं माने और लगा दी, उन्होंने बोला कि इसको हमें रोल आउट तो करना पड़ेगा, क्या कोज है, क्यों होता है ऐसे। चल, मैं यहाँ पड़े पड़े बहुत ज़्यादा बोर आ गई, और मैंने कुछ खाया तो मुझे अच्छा लगा, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। अभी 12:30 बज गए और अभी डिस्चार्ज नहीं किया है, मेरी हालत बहुत खराब। ये तीसरी बॉटल है, ये देख सकते हैं, और वो बोल रहे हैं ऐसे ही अभी एक बॉटल और, जो कि ये सब चीज़ें मेरी बॉडी नहीं एक्सेप्ट करती, आई डोंट नो व्हाई। इंजेक्शन, ये देखिए इतना बुरा हालत हो रखी है, और वो लगी हुई किधर है आप देख सकते हो, इस तरह से लगी हुई है, तो ये फिर बहुत पेनफुल हो रहा है मेरे लिए ना। मैं सोचा मैं यहाँ से चली जाऊँ और नहा लूँ, नहा के फ्रेश, मतलब फ्रेश फ्रेश हो ना हो, चाय पीऊँ, चाय भी नहीं पी है सुबह से। क्या कर रहे हैं आप, बहुत बुरा दिन है, मतलब
आज मेरा फास्ट है, मतलब मंडे को मैं फास्ट रखती हूँ, उपवास करती हूँ, बट नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं तो नाश्ता कर लिया ना। ठीक है, अभी घर जाऊँगी, घर जाते हैं कि जो भी होता है आपके साथ में शेयर करती हूँ। अभी चित्रेश जो कि रात से कल से मेडिसिन लगी है सेलाइन के थ्रू, वो मेडिकल स्टोर से हॉस्पिटल वालों को देने के लिए गए हैं। इधर कायना सो रही है और बहुत बोर हो रहा है कायना को, और अभी 2 बजे में बस 5 ही मिनट बाकी हैं, और अभी कुछ काम का वाइंड अप करने गए हैं, बस अभी हम निकलने वाले हैं 10 से 15 मिनट में। और ये रहा हमारा रात का, क्या बोलते हैं इसको, बीपी मेज़र करते जिससे रात इसी हालत में हम लोग चले गए थे, बीपी मेज़र कर रहे थे और इसको यहीं पे रख के चले गए थे, और अभी हम घर आ गए, जस्ट अभी आए, अभी 2:45 बज रहे हैं। बस अभी देखते हैं, अभी मुझे नहाना है सबसे पहले, तो फ्रेश होना है और बहुत ढेर सारा पानी पीना है। और स्वेलिंग देखो कितना आ गया मेरे फेस पे ना, वो सब उसका ही कमाल है, उस लाइन में जो ऐसे ना, ये रहा मेरा कैसा हो गया ना अजीब सा देखो। और ये कायना है जो सबसे ज़्यादा है जाके, अभी देखो शुशु करने जा रही है। और यहाँ पे पुणे का मौसम जो है ये देखो कितना सुंदर हो रखा, ड्रिजलिंग हो रही है अभी, खाली ऐसे बूंदाबांदी सी हो रही है, बहुत ही कम भीनी सी, पर मौसम बहुत अच्छा है, ठंडा है, बहुत मस्त मौसम है। अभी मैं आ गई हूँ डॉक्टर के पास, क्योंकि बहुत सारे रिपोर्ट्स वगैरह सब दिखानी थी, और जो डिस्चार्ज है वो डॉक्टर ने नहीं किया है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा था, इसलिए मैं आ गई हूँ उधर से। और मुझे ऐसा लग रहा था कि ठीक है मैं घर पर जा सकती हूँ, और मतलब फिर मैं डॉक्टर के पास आ गई जो कि जनरल फिजिशियन है, और हमारे एक तरीके से मतलब बहुत होता है ना कि कोई भी प्रॉब्लम होती है हम उनके पास जाते हैं। तो आगे का मैं आपको आगे बताऊंगी।